हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट वीक कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं था बहुत ज़्यादा बिजी, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेरी छत का मेकओवर वाला वीडियो। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत महसूस हुई घर में एक छोटा सा गार्डन हो जिसमें कम से कम बच्चे जो हैं घूम सकें या खेल सकें, हम भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें आराम से, या रिलैक्स होकर योगा कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। कुछ ऐसा स्पेस मैं चाह रहा था, और मुझे अपना स्पेस मेरे कमरे के सामने दिख रहा था जो कि है मेरे छत का स्पेस। और आज मैं करने जा रहा हूँ उसका थोड़ा सा मेकओवर। थोड़ी सी उस पर घास लगाएंगे, आर्टिफिशियल घास, और गमले वगैरह जो टूटे फूटे पड़े हैं उनको थोड़ा सा अच्छा बना के, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना अच्छा वो निकल के सामने आता है। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हाल फिलहाल में छत कैसी दिख रही है, वो देखेंगे, उसके बाद हम उसका काम शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको हमारी छत की स्थिति जो है बहुत बुरी हालत में। गमले टूटे फूटे हैं और छत की स्थिति खराब है, गंदी सी हो रखी है, और कुछ गंदी हमने कर भी दी आज। थोड़ा सा काम इसमें पेंट वेंट किया था, थोड़ा सा हल्का फुल्का किस कुछ चीज़ों पे, तो अब साफ़ सफाई हमने की नहीं है, अब करेंगे साफ़ सफाई। और सामने रेलिंग पर फाइबर ज़रूर हमने लगवा दिया है जो कि हमारे गार्डन के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी जो है इसके लिए हमने थोड़ा सा फाइबर उसके सामने लगवा दिया रेलिंग पे। तो आपको सबसे पहले छत की जो है स्थिति मैं दिखाता हूँ क्या है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये है हमारी छत की गंदी सी हालत हो रखी है, बहुत ज़्यादा बुरी। ये पानी एक्चुअली एसी का पानी है, एसी का पाइप है इधर, और इसका जुगाड़ भी अभी करेंगे हम। बाकी ये चूल्हा है इसका, ये तो रहेगा ही, सर्दियों में रोटी वोटी बनाने के काम आता है। और ये गमले हैं, पुराने हो चुके हैं, फाइबर की शीट हम लगवा चुके हैं, सामने रेलिंग पर फाइबर की शीट लग चुकी है। बाकी अब हमारा छत का मेकओवर होना बाकी है। ये सारी ईंट वीट जो है हम गमलों के नीचे लगाते थे पहले, और इनका जुगाड़ भी करेंगे। बाकी पेंट इस पे कलरफुल है ऑलरेडी। सो फ्रेंड, छत की स्थिति आपने देखी ही, छत की स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा दुखद, बहुत गंदी हो रखी है छत। और सबसे ज़्यादा गंदे लग रहे हैं उसके प्लांट्स, क्योंकि उनके पॉट्स जो हैं, गमले जो हैं ख़राब हो गए हैं, 2-3 साल हो गया उनको। नए गमले मैं ले आया हूँ, तो सबसे पहला काम करेंगे हम गमलों की मिट्टी को निकाल कर नए गमलों में, उन गमलों को, उन पौधों को नए गमलों में लगाएंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो गमलों का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गमले के जो निचले वाले हिस्से हैं इनमें छेद करेंगे हम। पानी इनका निकल जाएगा नीचे, जब इसमें पानी डालेंगे, पहले मिट्टी डालेंगे, फिर खाद डालेंगे, फिर इसमें पेड़ लगाएंगे, उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे, तो पानी जो एक्सेस पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है इसमें से। तो सारे गमलों में ये काम करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? मिट्टी से खेल रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो चित्रू? मिट्टी से खेल रहे हो? हाँ। दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें गमलों में मिट्टी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी उन गमलों में है। तो दोस्तों, अब इसमें मैं ये खाद की पैकेट लाया था, सब में थोड़ा थोड़ा सा खाद डालेंगे सारे गमलों में। Oh hey, you look so great, well you're so pretty, yeah, you got me. दोस्तों, गमलों का काम हो चुका है पूरा, और गमलों के काम के बाद छत की सफाई भी हो गई है। और अब हम लगाएंगे घास। घास हमारी आ चुकी है छत पर, अब हम इसको खोल के और बिछाने का काम रह गया है, ये काम शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं, घास लगाते हैं। tonight.
दोस्तों घास लग गई है और ये गमले रखने का काम चल रहा है और ये सिस्टी देखो काम कर रही है। यहाँ पर हमने टेबल्स बनवाई है स्पेशली गमले के लिए। दोस्तों हमारा गार्डन का काम हो चुका है पूरा। घास लग गई है, गमले लग गए हैं, गमलों के स्टैंड लग गए हैं और जिस काम के लिए हमने घास लगाई है वो काम भी चालू हो चुका है। आप देख सकते हो बच्चे कर रहे हैं मटर गश्ती और जिस पर्पज़ से मैं ये चाह रहा था वो पर्पज़ पूरा हो गया है। आप देख ही सकते हो बड़ा सुंदर लग रहा है देखने पर। कहाँ ये बसु रस्सी छत थी, वही चुप जाओ, कहाँ ये बसु रस्सी छत थी और अब इतना खूबसूरत लग रहा है ये, बड़ा मस्त। कैसा लगा सिस्टी ये? और जिस पर्पज़ से मैंने बनाया वो पर्पज़ भी पूरा हो गया, बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़ी सुंदर जगह बनी है और बच्चे खेल रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है इनको। मैं आपको दिखाता हूँ। सृष्टि गार्डन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा घास कैसी है इसकी? बहुत अच्छी। सॉफ्ट है या टाइट है? सॉफ्ट। अच्छा वेरी गुड। मजा आ रहा है खेलने में इस पे? यस। रामू तेरे को गार्डन कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ। घास कैसी है इसकी? बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल है? हाँ, यस। अच्छा तेरे को भी अच्छा लगा? हाँ। गार्डन कैसा लगा तेरे को? अच्छा। बहुत अच्छा है, है? मजा आ रहा खेलने में तेरे को इसमें है?